Price 79,999 rupees. Vivo X30 Pro. गेम के लिए, कैमरा के लिए और बैटरी के लिए सबसे ज्यादा तगड़ा गेमिंग प्रोसेसर इस फोन में देखने को हमें मिलता है। तो गाइस, स्वागत हो गया आप सबका एक और वीडियो में। तो वीवो का X30 Pro ये एक नया ट्रेंडी के बीच में चल रहा है स्मार्टफोन, आपकी नजरों के सामने बहुत बार आया है, आया कि नहीं, आपका मन भी कर रहा होगा कि आप इस फोन को बाय करो। लेकिन उससे पहले इसके प्राइस और इसके फीचर्स के बारे में जान लो कि गेम के लिए फोन चाहिए या कैमरे के लिए फोन चाहिए। एक्चुअली में दो ऑप्शन है आपके सामने, या पबजी के लिए या फिर आपको चाहिए दोस्तों कैमरे के लिए। बट इसके अलावा और क्या चीज सबसे ज्यादा यूज करना चाहते हो इस फोन में? ये फोन दोस्तों आता है स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 के गेमिंग प्रोसेसर के साथ। इसमें मिलती है एक डिस्प्ले जो बड़ी डिस्प्ले है और वो भी दोस्तों कर्व डिस्प्ले है। हाथ में हमें फोन पकड़ने के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा इस फोन को यूज करने के साथ। यहाँ पर एक एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है 6.78 इंचेस की 120 हर्ट्ज के साथ। और बैक की डिजाइन देख सकते हो तो इसमें आपको कैमरास मिल जाएगा 50+48 मेगापिक्सल, 12+8 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरास, 8K वीडियो सपोर्ट है और 32 मेगापिक्सल का इसका कैमरा है फ्रंट का। सो की वीडियो, नाइट शूट और आपको नाइट के बीच में और DSLR के जैसी पूरी परफॉर्मेंस और क्लैरिटी देने में ये फोन का हाथ जरूर आएगा। ये एक DSLR कैमरा फोन है, ऐसा फोन शायद ही दोस्तों आपने अभी तक यूज किया होगा। तो एक्चुअली में दोस्तों आप अब ग्राफिक्स देख सकते हो कि ग्राफिक्स आपको दोस्तों कितने आएंगे। ये दोस्तों हमारा है Vivo X80 ओनली, ये जो आपको दिखा रहा हूँ X80 जो प्रो है, वो मैं आपको तीन फोन के साथ कंपैरिजन दिखाऊंगा। इसमें X80 में दोस्तों ये वाले ग्राफिक्स आएंगे 60 FPS में, वो भी एक्सट्रीम तक। बस आप दोस्तों इसके अगर गेम की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो गेम की परफॉर्मेंस आपको बहुत ही बेस्ट मिलेगी, 60 FPS जरूर आ रहे हैं, बट आपको गेम की स्मूथनेस और जो सिस्टम है फोन का वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल देखने को मिलता है। एक्चुअली में इसमें गेमिंग की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ रही है, बट फोन थोड़ा ज़्यादा हीट कर रहा है। X80 का आपने देखा तो X80 Pro और दोस्तों X80 Diamond City 9000, X80 और 8 Generation 1 X80 Pro, और साथ में 888 का हमने दोस्तों गेमिंग प्रोसेसर वाला फोन एक और ले लिया। कि 888 वाला बहुत सारे लोग कहते हैं कि 888 वाला बेस्ट है, बट एक्चुअली में आज पता चल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो 888 के बीच में गेम अभी तक भाई लोड ही नहीं हुई, और Diamond City 9000 में लोड भी होगी और ग्राफिक्स भी दोस्तों शो कर रहे हैं। और 90 FPS में मैं मानता हूँ कि ज़रूर दोस्तों गेम और ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देती है, बट 90 FPS अभी आपको 80,000 फ़ोन के बीच में नहीं मिल रहे, तो अब दोस्तों बताओ क्या करोगे? सच में आप 90 FPS वाला फ़ोन लेना चाहते हो तो आपको दोस्तों सदियों तक वेट करना पड़ेगा। अब 90 FPS धीरे धीरे करके दोस्तों हट रहे हैं, तो अभी आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि 90 FPS के पीछे मत भागो। आपको एक गेमिंग फ़ोन लेना है तो आप दोस्तों 80,000 वाला फ़ोन या ये बाय कर लो। तो इतना महंगा अगर फ़ोन लेना है तो आपको एक और सजेस्ट करूंगा कि आप दोस्तों IQ के फ़ोन बाय कर लो, अगर आपने VGA में ही खेलनी है। 90 FPS उसके बीच में भी सपोर्ट करते हैं, कम प्राइजेस 30,000 से नीचे प्राइजेस वाले फ़ोन में भी ऐसी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगी। एक्चुअली मैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि पापा को अब मुझे कहना चाहिए कि नहीं पापा मुझे 80,000 वाला फ़ोन लेना है, तो जूते पड़ने की नौबत अब आपके नहीं आएगी कि आपको पता चल गया कि इसमें 90 FPS सपोर्ट नहीं करते। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करना, और एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।